जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस तरह से पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे कुछ भी गलत काम होता है तो सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर डाल देते हैं, तो इसी के ऊपर आज की इंटरव्यू होने वाला। तो कैसे पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी बंदे दो जाए इसी में कि सारे गलत काम हम करते हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हम करते हैं और इंडिया के ऊपर हम सारा उसका ठीकरा फोड़ते हैं, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली। वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। 65 की जंग में नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब नहीं हो सकता, वो हमें अब क्या कर रहे हैं? वो आपस में नहीं, वो हमें आपस में गेट पड़ा करके ये बोला था कि ये इंडिया नहीं कर सका, जो इंडिया नहीं कर सका वो हमारी ये इमरान शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया। और इन्होंने क्या किया है कि ये हमने नहीं किया, अब वो हमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने आमने ये करवाना शुरू कर दिया उन्होंने, अब वो ये गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हम खोते हैं वहां में, हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि वो हमारे साथ खेल क्या रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी, हमें अवेयरनेस कैसे आएगी, किसी को दुश्मन कहने की बजाय हम अपने रिलेशन कैसे किसी के साथ अफगानिस्तान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? नहीं, अफगानिस्तान के चोड़े जिधर मर्जी है, खुदा की कसम, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो दारा हमारा एस्टेब्लिशमेंट का, सिर्फ एक बंदा उधर से सीधा हो जाए ना, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि यार इधर से कोई गड़बड़ हो। मुझे उम्मीद ये थी कि आप कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सीधे हो जाए, हमारी गवर्नमेंट हमारी जो, तो आपने बोला कि हमारा जो है वो क्या कहता हूँ मैं, ये नहीं कहता कि इसको डंडा दे दो उसको डंडा, ना ना ना, उसको सिर्फ चलाना कंट्री चलाना तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा सर मैं ये करने लगा हूँ, उसको पहले उसको कैपेबल तो होना चाहिए उस काम के लिए, उसका इतना तो उसका होना चाहिए यारा कि उस बंदे को वो काम करना चाहिए। हम ये बंदा कहते हैं यारा इस बंदे को लगा लो, मुझसे पूछे बगैर नहीं चलना, तो हम तो फिर मारे फिर जो वो सारा करप्ट हो जाता है। क्या हम आपस में यहाँ पे आपस में एक दूसरे के मियाँ बीवी की बात है ना, मियाँ अगर प्यार से बीवी से बात कर ले तो वो तू तो थल्ले लगा है, मुसीबत हम इसका बाद में। सास क्या कहती है, मैं तेरा किसी अपनी जगह फलानी जगह कराया होता ना ब्याह तो फिर ठीक रहना, हालांकि वो पावे बहुत डंडा दे देती है। सर आप लास्ट में क्या कहेंगे? देखें बड़ा मजा आ रहा है इनसे गुफ्तगू करते हुए, ओपिनियन उनकी अपनी है, मैं भी मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये राय लेनी चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए। बांग्लादेश अफगानिस्तान, आप मानते हैं कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर है? जी मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। हमारे क्यों नहीं? मतलब हमें जो कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, सऊदीया के रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर, इजिप्ट के रिलेशन बेहतर, हम बीच में कौन सा अलहदा मुसलमान या मजहब लेके वो देखें। ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम से कुछ पूछेंगे तो फिर है ना, अवाम को तो दबोचा जा रहा है, अवाम की राय नहीं ली जा रहा। मसला तो ये है, अवाम की राय ली जाती तो इलेक्शन की बात होती है। ऐसे ही है। अच्छा आपकी तरफ आते हैं, इनसे जरा बात, इन्हें भी मौका दें क्योंकि फिर वो टाइम वीडियो का खत्म होगा। क्या कहेंगे उनके रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अफगानिस्तान हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया के हक में, उन्होंने बोला जी वो पैसे देते हैं, मतलब ये आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा है कि वो पैसे देते हैं तो वो फिर इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम यूनिटी, ये अपना क्या नाम लेते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ जाती हैं? अखलाकी तौर पर जो हम मुसलमान हैं ना वो गिरावट का शिकार है, दुनिया जहाँ पे जा रही है ना वो ट्रेड के लिहाज से एक दूसरे के साथ अपने तल्लुकात कायम कर रही है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना वो इकॉनमी होगा। नहीं, सबसे बड़ी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरा थर्ड टेन्योर आता है तो मैं थर्ड जो बड़ी 3 इकॉनमी उनमें से एक इकॉनमी बना देगा, वो तीसरी बनाए दूसरी या पहली, थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है। जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या पॉसिबल है आने वाले 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इंडिया बने, ये आप बताइएगा। अच्छा, हमें सीख क्यों नहीं लेते? मतलब आपने ये जो बात की है मुझे बड़ी पसंद आई है कि भाई लोग ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, लोग जो उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने की तरफ इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि अगले महीने का बिल मैंने कैसे देना है हम रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में हैं। ठीक है, हम 3 बंदे आए हैं, 2 प्लेटें खा के जा रहे हैं। ठीक हो गया, उसमें से हम लोगों ने बचाई है कि यार मैं किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते, समझ क्यों नहीं जाते कि यार ये देखो यहाँ पे ये खामियां हैं, अपनी जो खामियां उन्हें खत्म। भाई सीखना हमने किससे, हमारे सामने एक रोल मॉडल है हमारे जितने, अगर मैं आपने इंडिया की अभी एग्जांपल दी तो हम अगर उन्हीं से मैं सर आपकी तरफ, एक मिनट सर आपकी तरफ बताएं, एक गली के अंदर जब एक सिपाही होता है ना पुलिस वाला, उस गली में कोई चोरी क्यों नहीं होती? ठीक है सर, वो थोड़ा सा टॉपिक की तरफ रह के फिर हम वाइंड अप करते हैं, आपकी तरफ आएंगे। क्या कहेंगे कैसे नहीं हम जो उनसे वो रोल मॉडल, आपने बोला कोई नहीं है इंडिया की, अगर मैं बात करूँ क्या रोल मॉडल नहीं है? जैसे वो हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, आज किधर चले गए तो सीखना चाहिए।
देखिए उनको बड़े अच्छे हुक्मरान मिले हैं, उनको मुख्तलिफ दौर में जो है ना सिंसियर मुल्क के लिए सिंसियर है, पार्टियां जैसी भी हैं उनकी, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है, कंट्री के लिए सिंसियर बिल्कुल किया है उन्होंने, सब कुछ किया है। ठीक है, अब उन ये जैसे अभी पिछले महीने चांद के सफर का वो बता रहे हैं, ऐसे ही चंद्रयान पे उन्होंने जनाब लैंड किया है, तो फिर G20 की मीटिंग हुई है, आपके सामने ये अभी पीछे वीक की बात है, दो हफ्ते की ऑलमोस्ट पहले की बात है, तो ये बड़े एकदम है वो वर्ल्ड लेवल के। हाँ जी, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। ऐसे ही है, यही बात है। देखें वो अपनी स्टेटमेंट कई दफा दे चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के, भाई अब हमें पाकिस्तान से जंग लड़ने की या दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, वो ये लोग जैसे चल रहे हैं, ये क्या आपने बोला, अपनी मौत खुद बनेंगे, उसका बयान है मोदी का, इसको मरने दो इनको, तुम लोग आगे चलो आगे की तरफ देखो। हाँ, तो फिर भी हम क्यों नहीं ये जान छोड़ रहे कि भाई उसी ने करवाया, उसी ने, वो खुद कह रहा है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं नफरत की या दुश्मनी की। हमारे यहाँ ना एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे जो हुक्मरान है और हमारे जो लीडरान है प्लस हमारे जो मुल्ला हजरात है, इन्होंने हमें जो है ना वो 2-3 चक्करों में डाला हुआ है, मज़हब के चक्कर में डाल दिया इन्होंने, मज़हब की नफरत पैदा कर दी है, वो उसमें इतने फिरके हैं हमारे अंदर, हिंदुस्तान या चाइना वो तो एक अलहदा बात है, उनके क्या मज़हब है वो क्या करते हैं, हम तो यहाँ उलझ के रह गए हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, का मोहल्ला जला दिया जड़ा वाला में, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। ठीक है, हम जिस बंद गली में आ चुके हैं ना इस वक्त पाकिस्तानी, हमारा बिल्कुल जो है ना आगे फ्यूचर बड़ी मुश्किल लग रहा है कि शायद को खुदा करे नहीं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए हम उम्मीद ही छोड़ देंगे, ये कहेंगे कि नहीं भाई अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे तो फिर हमारा पाकिस्तान में रहने का मकसद क्या है? मैं समझता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए। अरे भाई किससे उम्मीद रखे, अगर मैं खुद से कुछ नहीं करता तो मैं किससे उम्मीद रखूं? आप गिने ना हमारे पाकिस्तान के जितने भी लीडरान है, मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम सिर्फ इस बात से डर लगता है, वरना जो हालात है ना, तो मैं कहता हूँ रब्बा सोने तू ही देख रहे हैं सब कुछ, डर लगता है कि ईमान ना चला जाए। अच्छा, मतलब भूख और जो ना, इसे ना, कि हम गिला ना कर बैठे हैं रब सोने से, कि रब सोने सब कुछ देख रहे हैं, तेरी मर्जी ना लो रहे, ये डर ना है कि साडे दिल च ना आ जाए। ठीक है, अच्छा क्या वाइंड अप करते हैं, आप आपस में गपशप कर रहे थे, बड़ा मजा आया इनसे बात करके, इनके ओपिनियन देख के, मेरा दिल कर रहा है मजीद बात की जाए, लेकिन ये है कि वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, फिर मजीद किसी से बात करेंगे। क्या कहते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है, नेबर से रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, जैसे दुनिया ट्रेड की बात कर रही है, हम एड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की तरफ कैसे जाएंगे? ट्रेड की तरफ आप तो बिजनेस मैन है, ज्यादा बेहतर जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना वो यहाँ पे सही मायनों में जमहूरियत नहीं ना लाते, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, नहीं आएगी, लोगों का इतमाद नहीं बहाल होगा। ठीक है, अभी जिसका घर चल रहा है ना, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बाहर के मुल्क से पैसा भेज रहे हैं, उनका घर चल रहा है, अदरवाइज जितने महंगाई के तूफान में हम दब चुके हैं, बिजनेस ठप हो गया है। हाँ जी, कोई हमारी मशीनरी नहीं चल रही, कोई ज़राअत नहीं चल रही हमारी, कभी हमें हेलमेट के चक्कर में डाल देते हैं, कभी ये हमें सोलर के चक्कर में डाल देते हैं, कभी जनरेटर के चक्कर में डाल देते हैं, कभी UPS के चक्कर में डाल देते हैं, हमारी जिस चीज़ से हमने बिजनेस करना है ना, वो हम उस चीज़ से अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, सेव करने के लिए उस तरफ चल पड़ते हैं। ऐसे या वक्ती तौर पे सोचते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का नहीं, पॉलिसी नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अगर चलना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ना है, सबसे पहले एजुकेशन पे हमें काम करना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में भी हिस्ट्री सच बतानी पड़ेगी। हाँ, सच बतानी पड़ेगी बिल्कुल, और एजुकेशन में एक दिन में तो ये चेंज आ नहीं सकता, सालों साल लगेंगे, इसमें 100 साल लग सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपने अगले 10 साल अपने सेव करने हैं तो आप दरख्त लगाएं, अगर आपने अपने 100 साल की प्लानिंग करनी है ना तो फिर आप तालीम की तरफ आए। जबरदस्त हो गया, तो यही चीजें हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को पब्लिक को बतानी चाहिए, इस तरीके से डिस्कशन पब्लिक में होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे वो चलती है बात, एजुकेशन एक पूरी होती है ना चीज। मैं अपने बच्चे को कहता हूँ ठीक है आप पढ़ लो, BA कर लेता है, कोई भी कर लेता है, मुझे बाद में वो टीचर कहेगा तुम्हें घर से तरबियत नहीं दी गई थी। अच्छा, वो तरबियत कौन देगा? एजुकेशन आप ले लें जितनी मर्जी ले लें, वो तरबियत नहीं देंगे, डिग्री का वो एक कागज होगा, पेज होगा। मुझे बताएं उस तरबियत का क्या करेंगे जिसको मैं मना करता हूँ कि तुमने सड़क के ऊपर वो रैपर नहीं फेंकना बच्चे को, और मैं उस गाड़ी वाले को पकड़ लेता हूँ जो रैपर फेंकता है, उसको कहता हूँ तुम्हें तुम कोती स्कूल में पढ़ते हो, उसको सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हें ये तरबियत घर वालों ने देनी है, ये हमारा घर है, ये पाकिस्तान स्कूल में पढ़ते हो। भाई मैं आपको थोड़े दिनों की बात बताता हूँ, मैं
बच्चे को स्कूल से लेके आ रहा हूँ, रैपर बॉय डिग रहा है, मैं स्पीड मारी है, बच्चा मेरे पीछे फाद बैठा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम खोती स्कूल के बच्चे हो, इसी स्कूल के बच्चे हो जिसमें ये पढ़ता है, गाइड करना चाहिए ना, ना। हाँ। मैं उसमें अपने बच्चे को भी अवेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उस आदमी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हमारे मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं तो इंडिया थोड़े करने आएगा, हम खुद करते हैं मस्जिदों बम ब्लास्ट। और इंडिया पे इतना टाइम थोड़ा ही है, इंडिया बिल्कुल तरक्की याफ्ता मुल्क है, इंडिया G20 करा रहा है, चंद्रयान 3 करा रहा है, हम इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी बम ब्लास्ट करते फिर किसी कंट्री में। इंडिया शांतिप्रिय मुल्क है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम किसी के शांति भंग करिए, काम पाकिस्तानियों का है। तो उसने बिल्कुल दिल खोल के बात करी, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसी बात करने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, रियली एंटरटेनमेंट की वीडियो थी, काफी अमेजिंग वीडियोस ये बनाते हैं, पब्लिक के बीच में आते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं, तो इनके चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इस वीडियो को ही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।